नमस्कार दोस्तों, सुबह नेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों होंडा एक्टिवा 6G BS6 में लॉन्च हो गई है। इसकी आपको मैं फुल डिटेल रिव्यू दूंगा और स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इन पॉइंट्स में। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग। दोस्तों अब इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आ गया है, जो कि पहले सीट के अंदर हुआ करता था, बार बार आपको सीट खोलना पड़ता था, लेकिन आपको आप डायरेक्ट की घुमाएंगे और आपकी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग खुल जाएगी, इससे आपको पेट्रोल भरवाने में आसानी हो जाएगी। इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़े चेंजेस हुए हैं। इसमें अब माल फंक्शन दे दिया गया, जिससे आपको अगर कोई भी गाड़ी में आपको खराबी आती है तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत है। इसका जो तीसरा अपडेट है, इसका जो टायर साइज है उसे 12 इंच कर दिया गया है। पहले 10 इंच में आता था, अब इसके रियर और बैक टायर दोनों को 12 इंच में कर दिया गया है। इसका फोर्थ अपडेट आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों एक्टिवा 6G में अब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी मांग थी एक्टिवा की ग्राहकों की तरफ से कि इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होना चाहिए। इसमें आपको कंफर्ट अब इसका 50% इंक्रीज हो गया है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बाइक के सस्पेंशन जैसे काम करता है, से आपको झटके कम महसूस होते हैं। इसमें फोर्थ अपडेट की बात कर लेते हैं, एक्टिवा 6G आपको अब पैनल पे लिखा रहेगा, साइड पैनल पे जहां एक्टिवा 5G लिखा रहता था वहां पे 6G लिखा रहेगा। उसके नीचे लिखा रहेगा होंडा इको टेक्नोलॉजी, उसमें BS6 की बैजिंग की रहेगी। सिक्स्थ अपडेट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको फ्रंट में क्रोम का सेटअप देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी की लुक्स बढ़ जाएगा, गाड़ी में इन्हेंसमेंट आ जाएगा और फ्रंट लुक से गाड़ी एकदम ब्रॉडर लुक से लगेगी, जैसे कि फॉर्चूनर दिखती है क्रोम वाइज। सेवेंथ अपडेट की बात कर लेते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक्टिवा ने अपने सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट रखा है, 177 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट 22 mm की बढ़ा दी गई है और इसका जो व्हील बेस है, मीन्स दोनों चक्कों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे 23 mm बढ़ा दिया गया है। इससे गाड़ी के होल डायमेंशन में पूरे इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, जिससे गाड़ी और बल्की बन गई है, गाड़ी का लुक जो है इन्हेंस होकर आ रहा है। इसके एट्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, दोस्तों इसमें आपको 6 ईयर की वारंटी मिलती है, 3 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी एंड 3 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी। मीन्स अगर आपको 3 साल एक्स्ट्रा वारंटी चाहिए तो आप इसमें 3 ईयर एक्सटेंडेड करवा सकते हैं, टोटल आपकी 6 ईयर की वारंटी मिलती है। दोस्तों नाइन्थ अपडेट की बात कर लेते हैं, इसमें 10% का माइलेज इंक्रीज हो गया है, जो कि एक्टिवा के लिए बहुत अच्छी बात है। मीन्स आपको इसमें माइलेज अब 60 से अबव का, मीन्स 60 से 70 km पर लीटर मिलेगा। तो 10th अपडेट की बात कर लेते हैं, इसमें अब आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा, मीन्स इंजन जो है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाएगा इंजन, और BS6 का इंजन देखने को मिलेगा। तो 11th पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये गाड़ी आपको ग्रे, ब्लैक, रेड, ब्लू, येल्लो एंड वाइट, मीन्स 6 कलर्स में आपको ये गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। जो सर इसका लास्ट पॉइंट है वो मेरा स्कूल का पॉइंट है। मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं, 10 लेडीज टीचर हैं, सारों के पास एक्टिवा है। मीन्स एक्टिवा इतनी फेमस गाड़ी है कि इसे हर टीचर खरीदना चाहता है, हर लेडीज लोग इसे खरीदना चाहते हैं। आजकल तो एक्टिवा को जेंट्स भी चलाते हैं। अब इसका मैं आपको प्राइस बताता हूँ दोस्तों, स्टैंडर्ड वेरियंट का प्राइस है 63,912 रुपीज, DLX वेरियंट का प्राइस है 65,412 रुपीज। दोस्तों अगर आप एक्टिवा लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक्टिवा 6G लीजिए, इसमें थोड़े और फीचर्स डाल दिए गए हैं और 20 इसमें नए सेटअप्स डाले गए हैं। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर BS6 बाइक्स और स्कूटर्स की वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार।